पिछली वीडियो में मैंने आपको सामाजिक सुरक्षा के बारे में बताया था। आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, बीमा एजेंट। बीमा एजेंट का अर्थ बताने से पहले मैं आपको एजेंट क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूँगी। एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति प्रधान या मालिक द्वारा की जाती है और वो मालिक की ओर से थर्ड पर्सन के साथ अनुबंध करता है। अनुबंध करने का मतलब है कोई भी व्यवहार हो या लेन देन हो उसके बारे में अनुबंध करता है, तो वो एजेंट कहलाता है। ये सामान्य एजेंट है। लेकिन बीमा एजेंट क्या होता है इसका अर्थ बता रही हूँ मैं आपको। बीमाकर्ता और बीमित के मध्यस्थ का कार्य करने वाला व्यक्ति बीमा एजेंट कहलाता है। यहाँ बीमाकर्ता का मतलब आपको बताया था बीमा कंपनी, बीमित का मतलब होता है बीमा कराने वाले, उनके बीच में मध्यस्थ यानी मीडिएटर का काम करने वाला व्यक्ति यानी उनके बीच में अनुबंध करवाने वाला व्यक्ति बीमा एजेंट कहलाता है। और बीमा एजेंट के बारे में कानून भी बना हुआ है, एजेंसी विधि कानून के प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 से 238 में इसके प्रावधान दिए हुए हैं। अब धारा 182 के अनुसार एजेंट वह व्यक्ति है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने किसी कार्य को करने या किसी अन्य तृतीय पक्षकार के साथ व्यवहार करने हेतु अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें भी यही बताया है कि एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और थर्ड पर्सन के साथ व्यवहार करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। एजेंट जिस व्यक्ति या कार्य का प्रतिनिधित्व करता है उस व्यक्ति को प्रधान या नियोक्ता या मालिक कहते हैं। या बीमा एजेंट में मालिक बीमा कंपनी है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे प्रधान द्वारा यानी मालिक द्वारा तृतीय पक्षकारों के साथ अपने प्रधान के अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें भी यही बताया है निष्कर्ष में भी कि प्रधान की ओर से यानी कि बीमा कंपनी की ओर से एजेंट काम करता है और थर्ड पर्सन यानी दूसरे लोगों को बीमा अनुबंध करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है, अनुबंध करवाने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति बीमा एजेंट कहलाता है। अगला टॉपिक है कि एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है। एजेंट की नियुक्ति प्रधान के द्वारा की जाती है किंतु प्रधान केवल वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो। अब अनुबंध करने की क्षमता के लिए क्या नियम है कि वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और सभी ऐसे व्यक्ति जो देश किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किए गए हो वो व्यक्ति जो है एजेंट नियुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति का कानून द्वारा भी अधिकृत कोई भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, जैसे किसी निगम या कंपनी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कोई नियुक्ति हो सकती है, कई प्रधान यानी मालिक द्वारा संयुक्त रूप से भी एजेंट की नियुक्ति हो सकती है। तो ये टॉपिक था कि एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है। दूसरा टॉपिक आता है इसमें कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है। धारा 184 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, अतः कोई व्यक्ति चाहे वह अनुबंध करने की क्षमता हो या नहीं हो सभी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है अवयस्क अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति भी एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, मना ही नहीं है, लेकिन अवयस्क या अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को अगर एजेंट नियुक्त कर देंगे तो ये बहुत जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि एजेंट द्वारा जो अवयस्क है या अस्वस्थ मस्तिष्क का है उसने कोई गलत कार्य कर दिया तो प्रधान के प्रति वो उत्तरदायी यानी मालिक के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होगा और थर्ड पर्सन के प्रति भी वो उत्तरदायी नहीं होगा। थर्ड पर्सन के प्रति उत्तरदायी कौन होगा? प्रधान होगा, मालिक होगा। यानी ऐसा एजेंट जो अवयस्क है अस्वस्थ मस्तिष्क का है नियुक्त तो आप कर सकते हो लेकिन वो उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एजेंट और नौकर में क्या अंतर है। जनरली नौकर हम रखते हैं ना काम करने के लिए और एजेंट, दोनों में क्या अंतर है। एजेंट पहला पॉइंट है इसका, एजेंट का पारिश्रमिक कमीशन या फीस के रूप में होता है जबकि नौकर का पारिश्रमिक वेतन या सैलरी जिसे अपन कहते हैं उसके रूप में होता है। दूसरा अंतर है एजेंट कभी भी नौकर नहीं बन सकता जबकि नौकर कई बार एजेंट हो सकता है, पहले नौकर था अब एजेंट बन गया। तीसरा पॉइंट है एजेंट नियोक्ता की ओर से यानी मालिक की ओर से तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है लेकिन नौकर ऐसा कोई अनुबंधात्मक संबंध स्थापित नहीं करता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है बीमा एजेंट की क्या विशेषता है।
सबसे पहली विशेषता है बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी इसका नियोक्ता यानी कि मालिक होता है, यानी बीमा एजेंट में जो बीमा करता होता है ना वो मालिक होता है यानी बीमा कंपनी। दूसरा पॉइंट है बीमा एजेंट को बीमा अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन उसको लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तीसरा पॉइंट है बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। चौथा पॉइंट है बीमा एजेंट को कमीशन या अन्य आधार पर प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, तो कमीशन के रूप में या किसी अन्य आधार पर किया जा सकता है। पांचवी विशेषता है बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दे सकता है। ये एक अवैध कार्य है, यानी कहने का मतलब है जिसको बीमा एजेंट नियुक्त किया गया है, जिसको लाइसेंस मिला है एजेंसी का, वो ही वो कार्य कर सकता है, वो दूसरों से ये कार्य नहीं कर सकता है। वो चाहे कि मैं दूसरों को कमीशन दे दूँ, दूसरों से करवा लूँ काम, ये कार्य नहीं किया जा सकता है, ये एक अवैध कार्य है। ये पाँच विशेषताएँ थी बीमा एजेंट की। अब अगला टॉपिक है बीमा अधिनियम और बीमा एजेंट्स विनिमय 2000 के अनुसार बीमा एजेंट को लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि जिसको बीमा एजेंट का लाइसेंस चाहिए उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है आवेदक कम से कम 18 वर्ष की आयु को, 18 वर्ष की आयु का मतलब वयस्क हो। तीसरा पॉइंट है वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो। चौथा पॉइंट है वह किसी न्यायालय द्वारा गबन धोखाधड़ी जालसाजी अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया हो, यानी कि ये 4 पॉइंट हैं बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है बीमा एजेंट के कार्य। बीमा एजेंट के कार्य में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रस्तावकों से संपर्क करना। इसमें क्या होता है कि बीमा एजेंट प्रस्तावक मतलब जो बीमा करवाना चाहते हैं, यानी ऐसे लोगों से संपर्क करता है जिन्होंने अभी तक बीमा नहीं करवाया हो या अब बीमा करवाने का इच्छुक हो, अब तो उन्हें नई नई प्रकार की जानकारी दी जाती है, उनकी कोई शंका समाधान की जाती है। इस प्रकार से प्रस्तावकों से संपर्क स्थापित करना इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य है प्रस्तावकों को प्रोत्साहित करना। प्रस्तावक का मतलब जो बीमा करवाने चाहते हैं, जिसके सामने हम प्रस्ताव रख रहे हैं वही प्रोत्साहित करना है। एजेंट अपनी बातों योजनाओं की जानकारी देता है और उन्हें बीमा कराने के लिए प्रेरित करता है, इस प्रकार उसको जो है बार बार प्रस्तावक से संपर्क भी करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना। बीमा एजेंट जो है प्रस्तावक को एक बीमा पत्र प्रस्ताव पत्र देता है जिसके कई टॉपिक्स होते, बिंदु होते, उसको पूरा करने उसको भरने के लिए बीमा एजेंट उसकी मदद करता है। यानी कहने का मतलब है कि कई बातें होती है, बीमा जो फॉर्म भरा जाता है ना, फॉर्म के अंदर कई बिंदु होते हैं, अगर उसको समझ में नहीं आ रहे हो तो एजेंट का काम है उसकी पूर्ति करवाना। फोर्थ पॉइंट है आवश्यक प्रपत्र तैयार करवाना। प्रस्तावक को प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रपत्र भी जमा करवाने पड़ते हैं, जैसे जन्म का प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो है ये एजेंट जो है उसमें हेल्प करता है, व्यवस्था करता है उसकी। नेक्स्ट पॉइंट 5 प्रीमियम प्राप्त कर प्रस्ताव पत्र जमा करना। वो क्या करता है, एजेंट प्रस्तावक से प्रीमियम ले लेता है और उस प्रीमियम को जमा कराता है बीमा कंपनी में। 6 पॉइंट है बीमितों या उसके उत्तराधिकारियों को बीमादारों के भुगतान प्राप्त करने की जानकारी देना, यानी कि जब एजेंट प्रीमियम को बीमा कंपनी में जमा कराता है तो उसे एक रसीद दी जाती है, तो रसीद जो है वो जो बीमा कराने वाले को दे दी जाती है कि आपको भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट 7 बीमा प्राधिकरण द्वारा जो भी निर्देश है उसका पालन करना। और 8वां पॉइंट है प्रस्तावकों को बीमा पत्र के नामांकन हस्तांकन और नवीनीकरण के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो परामर्श देने का काम बीमा एजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट 9 दावा भुगतान यानी कोई क्लेम किया गया उसका भुगतान के बारे में, या कोई बीमा पत्र खो गया है नष्ट हो गया है तो उसको कैसे उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, कैसे कार्रवाई करना, उसके बारे में एजेंट हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 10 जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम या बीमाकर्ता के जो भी विकास कार्य है, जो भी कार्यक्रम है आगे के, उसमें सहायता करना बीमा एजेंट का कार्य है। ये 10 पॉइंट थे बीमा एजेंट के कार्य के संदर्भ में। अब लास्ट टॉपिक इसका एक और है कि बीमा एजेंट के निषिद्ध कर्तव्य क्या है। निषिद्ध का मतलब ऐसे कौन कौन से कार्य है जो बीमा एजेंट नहीं कर सकता है। इसमें पहला पॉइंट आता है
बीमाकर्ता या निगम के लिए किसी प्रकार की धनराशि वसूल करना, यानी कि बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी के लिए किसी प्रकार की धनराशि को वसूल नहीं कर सकता है। दूसरा है बीमा के लिए कमीशन या छूट प्रदान करना, यानी मैंने बताया अभी आपको पहले कि बीमा के लिए वो दूसरे व्यक्ति को कमीशन या छूट नहीं दे सकता है, ये कार्य उसको स्वयं को करना होता है। तीसरा पॉइंट है बीमाकर्ता की ओर से किसी जोखिम को स्वीकार करना, यानी बीमाकर्ता की ओर से कोई भी रिस्क वो स्वीकार यानी कि नहीं कर सकता है। चौथा पॉइंट है निगम या बीमाकर्ता की आज्ञा के बिना किसी प्रकार का विज्ञापन या पत्र पत्रिका नहीं तो छपवा सकता है न बांट सकता है। पांचवा पॉइंट है किसी दूसरे बीमा एजेंट के कार्यों में हस्तक्षेप करना या उससे उसके प्रस्तावक को बहलाना या फुसला, यानी कोई दूसरा एजेंट है उसका कोई प्रस्तावक है उसको उसको बहकाना करना, ये काम भी वो नहीं कर सकता है। सिक्स पॉइंट है बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त वैध लाइसेंस के बिना या लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद वो कार्य नहीं कर सकता, नहीं बिना लाइसेंस तो कर ही नहीं सकता है। कई बार क्या लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई यानी जितने समय के लिए उसको लाइसेंस दिया गया है उसके बाद वो कार्य नहीं कर सकता है। सातवां पॉइंट है किसी अन्य बीमाकर्ता के क्षेत्र में जाकर कार्यवाही करना, ये भी कार्य वो नहीं, किसी अन्य बीमाकर्ता कोई क्षेत्र जहाँ उसका काम चल रहा है तो उसमें जाकर डिस्टर्ब या उसको कोई कार्यवाही करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। ये सात पॉइंट है बीमा एजेंट के निश्चित कर्तव्य के बारे में। स्टूडेंट्स, अब आपका ये लेसन समाप्त होता है और नेक्स्ट लेसन अगले वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।